विजय सिंह चुंडावत, आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल हरितवीर पर। और जैसा कि आप देख कर जान ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाएंगे, बनाना पील फर्टिलाइज़र, मतलब कि केले के जो छिलके होते हैं उनसे फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम कार्य शुरू करें, आपको जानना आवश्यक है कि ये जो केले के छिलके हैं ये किस प्रकार हमारे पौधे में ग्रोथ करेंगे, पौधे की ग्रोथ करेंगे और किस प्रकार ये उपयोगी हैं। तो दोस्तों, किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए उसमें नाइट्रोजन, उसमें फल फूल आदि आने के लिए पोटेशियम और उसकी जड़ों को एब्जॉर्बर मतलब मजबूत बनाने के लिए फॉस्फोरस का उपयोग होता है। तो ये जो केले के छिलके हैं इसमें फॉस्फोरस तथा पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जिससे कि पौधे की जड़ें मजबूत होती है, जिससे वो अच्छा पोषण ज़मीन से प्राप्त करेगी और आपके फल फूल आदि की वृद्धि रुक चुकी है पौधे में, तो आपको अवश्य ही इसका उपयोग करना चाहिए। एनपीके यूज़ करते हैं किंतु वो रासायनिक हो जाता है, और अगर आप इसका यूज़ करें तो ये एक अच्छा ऑर्गेनिक विकल्प है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको किस प्रकार बनाना है जानते हैं। तो चलिए बनाते हैं बनाना पील फर्टिलाइज़र। इसके लिए दोस्तों, आपको एक कंटेनर की प्लास्टिक हो, चाहे वो कांच का हो या फिर आप मिट्टी के जो डिब्बे का भी उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन का, पर आपको ये जो लोहे आदि मेटल की ये वस्तुओं का जंग लगी इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरे पास दोस्तों ये प्लास्टिक का कंटेनर है, इसको मैं प्रयोग में लूँगा। तो सबसे पहले आपको इनको थोड़े टुकड़ों में बांटना है ताकि इनका विखंडन जल्दी हो, अच्छी तरीके से ये पानी में घुल जाए। उसके लिए आपको इन्हें अच्छी तरह से कट कर देना है छोटे छोटे पीसेज में। दोस्तों, ये पौधे की ग्रोथ के साथ साथ आपके जो सीडलिंग्स हैं उनके जर्मिनेशन में भी ये उस प्रक्रिया को ये फास्ट कर देता है। और दोस्तों, ये कोई फेक नहीं कि ऐसे ही वीडियो बना दिया, आप इसका परीक्षण कर सकते हैं, आप इसका टेस्ट कर सकते हैं दो सीडलिंग्स पे कि कौन सा वाला पहले ग्रो होता है, या आप प्रयोग करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये लगभग तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, हम इसकी कटिंग्स को इस डब्बे के अंदर डालेंगे कंटेनर में, और इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इस तरह ऐड करेंगे दोस्तों कि ये अच्छी तरह डूब जाए। और दोस्तों, ये देखिए, ये अच्छी तरह डूब चुके हैं अंदर, और अब आपको इसको बंद कर देना है। इसका उपयोग मिनिमम 48 घंटे के बाद आप इसको उपयोग में ले सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे लगभग सप्ताह भर के लिए छोड़ दीजिए। और दोस्तों, आप इसको छायादार स्थान पर ही रखें, ज़्यादा मतलब कड़क धूप नहीं आनी चाहिए, ऐसे स्थान पर रखें। मिश्रण को जो बनाना फर्टिलाइज़र के लिए हमने जो कार्य किया था उसे 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तो अब इसे उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए मित्रों, इसका ये कलर जो मटमैला, बिल्कुल मटमैला टाइप का हो चुका है। और चलिए इसे यूज़ में लेते हैं। इसका जो ये द्रव है, द्रव्य, इसको हम थोड़ा ले लेंगे और छिलके इसी में रहने देंगे क्योंकि आगे भी हमारे काम आ सके। आइए मित्रों, इस गुलदावरी के पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे हम। मित्रों, देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और जब मैंने इस पौधे को लगाया था तब भी मैंने इस फर्टिलाइज़र, बनाना फर्टिलाइज़र का इसमें यूज़ किया था,
तब इसके काफ़ी ब्लूम्स थे जो फूल नहीं बने थे, लेकिन अब देखिए आप हर एक डाली से फूल लदे हुए हैं इसमें। तो मित्रों इसका यूज़ सिंपली करना है हमें, इसके चारों ओर इसे फैला देना है बराबर मात्रा में। और मित्रों पहले ये जो मिट्टी से अवशोषित करेगी, फिर उस मिट्टी से ये जड़ें उसे अब अंदर सोखेगी, और इस प्रकार ये पौधा आपको अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।